तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो आज के हमारे देसी मुर्गी पालन के टॉपिक है कि कैसे आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करके पूरे साल का फीड का कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया इसका मतलब आप मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप सबको देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेगी। सो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो भी जानकारी मैं वीडियो में बताऊँगा प्योर देसी मुर्गी पालन पे होगी। हाँ, ये बात तो है कि ये जानकारी सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, चाहे आप देसी मुर्गी पालन करते हो या फिर किसी उन्नत प्रजाति की मुर्गियाँ पाल रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसमें होगा ये। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 बर्ड से मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहे हो, एक मुर्गा हो जाए या फिर एक मुर्गी हो जाए, ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स फीड उसको एक दिन में चाहिए ही चाहिए। एक बर्ड 100 ग्राम खा रहा है तो 100 बर्ड का हो गया दिन का 10 केजी, 10 गुना 30 कर दो कितना हुआ 300 केजी। एक महीने का फीड का खर्चा आपके 100 बर्ड पे 300 केजी हो गया मेरे भाई। एक केजी का रेट कितना है, यहाँ तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है मेरे भाई। तो 50 गुना 300 करेंगे तो कितना होगा, 15,000 रुपये पूरे महीने का खर्चा चला जाएगा मेरे भाई। अगर आपको प्योर देसी मुर्गी पालन करना है तो 15,000 × 12 करके देखो पूरे साल का खर्चा 1,80,000 रुपया आएगा मेरे भाई। तब जाके मुर्गी अंडा देगी, वो अंडा बेचकर कमाओ, वो अंडे को चूजे बना के बेचकर कमाओ, या फिर उस अंडे में से चूजे को एक केजी का मुर्गे या फिर मुर्गी बना के बेच के कमाओ। दूसरी नस्ल के चूजे हमें हेतरी में मिल जाएंगे, पर प्योर देसी मुर्गी के चूजे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कंपलसरी हमें पहले बर्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो अभी आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर कि किस तरह से आप मुर्गियों को फ्री रेंज में सुबह से लेकर शाम तक छोड़ के पूरे साल का फीड का कॉस्ट कम कर सकते हो, और मेरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ घर तक जितनी भी जगह आपको दिखाई दे रही है उतनी फ्री रेंज के लिए निकाल दिए। तो यहाँ आपको छोटा सा धान का पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा बरसात में लगाया गया था। अभी ये जो दूसरा धान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा 1, 2, 3 पोर्शन में से निकला हुआ है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सबके पास इतनी ज़मीन नहीं रहती है। तो अभी धान तो निकाल लेंगे, एक बार पानी लगा के ट्रैक्टर से पूरा खुदवा देंगे, उसके बाद मक्का और गेहूँ, उसको निकालने के बाद गर्मी में सोयाबीन डाल देंगे, बस हो गया। पूरे साल का यहीं से चलाने की कोशिश करते हैं, पिछले साल का फीड अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इस तरह से अपने पूरे साल का तो नहीं कहेंगे, बस 50-50 मान के आधा खर्चा कम कर ही देता हूँ। और जिसके पास भी कम ज़मीन है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी जगह में भी मुर्गी पालन से लोग अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं आज की डेट में। जहाँ तक फीड कटिंग की बात है तो वीडियो की एंड में दूसरी वीडियो आ जाएगी, वो वाली भी जाके देखो, दूसरे कौन कौन से रास्ते हैं फीड पर खर्चा कम करने के वो मैंने उसमें बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने समझने को मिला होगा। तब तक अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना, खुश रहना, और अभी तक आपने हमारे चैनल विहान बैकयार्ड पोल्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस करके बेल आइकन को सेट कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो रखेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।